पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं। कल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अच्छा, ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए, एफडीआई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। कहाँ तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कार्यालय तक, वहाँ से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा, ये आप क्या बताना चाहते हैं? कि अब हम एक इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है। अच्छा, देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी है। खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई, यही नहीं एफडीआई का भी मुद्दा है। जी हां, स्मृति ईरानी है, अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर, गुजरात से राज्यसभा की सांसद भी है। स्मृति, अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, जाहिर है एनडीए का भारत बंद है, इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं, आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? अच्छा, इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है,